और इधर यहाँ से क्लोज है, उधर में जो पेटिस लगानी होगी, इससे जो पैकेट तैयार होगा वो काफ़ी गोल साइज का होगा, क्योंकि तो पन्नी गोल करनी होगी ताकि उसमें रैक में रखते आसानी से बने। इसको यहाँ ऐसे कर लेंगे हम लोग और 6-7 राउंड लगा देंगे। इस तरह अब इसको ये जो बंधा हुआ हिस्सा उसको अंदर कर लेंगे। में हमारी कंपोस्ट तैयार हुई है, कंपोस्ट हम इसमें भरेंगे। अब ये सीड है, इसमें लगभग 10 किलो का एक बैग तैयार होगा और एक बैग में 100 ग्राम ये सीड पड़ेगा। साइड साइड में डालेंगे, साइड के वाले एक लेयर हो गई थी, दूसरी लेयर स्टार्ट हो रही है। और भर दिया जाए, इसको और भर देते हैं क्या? और भर दिया जाए। तो यार इनके माँ की पूरी आधा डिब्बा कहाँ गया? ये आपका पूरा एक बैग तैयार हो गया, इसमें हमने लेयर सिस्टम अपनाया है और ये लगभग 10 किलो कंपोस्ट आपकी पूरी आई हुई है। ठीक है, ये गेहूं के दाने पर जो है मशरूम का फंगस फैलाया गया हुआ है। ये फंगस होता है मशरूम, यही आगे जाके ग्रो करके हम खाते हैं, तो मशरूम एक जो है फंगस है। ठीक है, ये फार्मालिन के घोल से सैनिटाइज किया जा रहा है जिससे कि इसमें जो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो किल हो जाए और मशरूम के कल्टीवेशन में किसी प्रकार के इन्फेक्शन की फिर कोई संभावना ना बचे। मेन पर्पज़ इसका यही होता है। ये फार्मेलिन है, आप लोग शायद जो फार्मेलिन यूज़ करके उनको पता होगा कि फार्मेलिन का जो झाग है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है,